मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के समापन सत्र के दौरान कहा, सनातन धर्म ही एकमात्र धर्म है, बाकी सभी संप्रदाय और पूजा पद्धतियां हैं। सनातन मानवता का धर्म है और इस पर कोई भी हमला पूरी मानवता को खतरे में डाल देगा। 7 दिवसीय यज्ञ महंत दिग्विजयनाथ की 54वीं और महंत अवैधनाथ की 9वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित किया गया था। धर्म तो दुनिया में एक ही है, वह है सनातन धर्म। बाकी धर्म नहीं है, मत है, पंथ है, उपासना विधि है। उत्तराखंड में 3 लड़के महिंद्रा थार एसयूवी से नदी में ऑफ रोडिंग करने चल दिए। उन्होंने पुल का ठीक ठाक रास्ता छोड़कर नदी में गाड़ी उतार दी। इसके बाद उनका ऐसा हाल हुआ कि मदद के लिए रेस्क्यू टीम को आना पड़ा। दरअसल लड़के जैसे ही गाड़ी को नदी में लेकर उतरे, वो पानी के तेज बहाव में बहने लगी। वो तो भला हो कि बीच में एक बड़ा सा पत्थर आ गया जिसके जरिए गाड़ी रुक गई। इसके बाद रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर गोताखोरों, सेफ्टी जैकेट और रस्सी की मदद से तीनों को बचाया। बाद में क्रेन की सहायता से गाड़ी को नदी से निकाला गया। बहराइच के पास इंडो नेपाल बॉर्डर के सबसे बड़े रास्ते को सील कर दिया गया है। नेपाल सरकार ने बहराइच के रुपए डीहा बॉर्डर गेट को बंद कर दिया है। बताया जा रहा है कि नेपाल के बांके जिले में हुई हिंसा के बाद कर्फ्यू लगाया गया है। नेपाल जाने वाले सैकड़ों की संख्या में वाहन बॉर्डर पर फंसे खड़े हैं। लोगों का आवागमन और व्यापार बंद हो गया है। नेपाल में पिछले 2 दिनों से माहौल तनावपूर्ण है। एक व्यक्ति ने इंटरनेट मीडिया पर इस्लाम के प्रति टिप्पणी की, इससे नाराज मुस्लिम समुदाय के लोगों ने 2 दिन पहले प्रदर्शन किया और आगजनी की। इससे आक्रोशित हजारों की संख्या में हिंदू समुदाय के लोगों ने जुलूस निकाला। यहां प्रदर्शनकारियों ने पेट्रोल बम चलाए, कई राउंड हवाई फायरिंग की। इसके बाद पुलिस ने काबू पाने के लिए जमकर लाठियां भांजी और आंसू गैस के गोले छोड़े। इसमें 7 लोग घायल हो गए। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ी ऋषभ पंत चोट से उबरने के बाद बद्री विशाल के दर्शन करने पहुंचे। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ऋषभ पंत ने बद्री विशाल के दर्शन किए। बता दें कि ऋषभ पंत का पिछले साल दिसंबर में बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। हादसे के बाद से ही वो क्रिकेट से दूर हैं। यहां पहुंचकर ऋषभ पंत ने वर्ल्ड कप के लिए प्रार्थना की। देश के कई हिस्सों में मंगलवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। दिल्ली NCR से लेकर लखनऊ और जयपुर तक की धरती हिल गई। भारत के कई हिस्सों में ये झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर बाद में आने वाले भूकंप की तीव्रता 6.2 मापी गई। भूकंप आते रहते हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि कुर्सी इस तरीके से बहुत तेजी से वाइब्रेट हिली है। मैंने अपने मैनेजर साहब से कहा कि सर ये क्या हिली है कुर्सी, कहने लगे हाँ भूकंप है। तो हमने मतलब बहुत तेज था, हम टीवी देख रहे थे बेड पे लेटे हुए, एकदम से पंखा हिला, भूकंप जैसे लगा भूकंप है। तो हमारे मित्र हमसे मिलने आए हुए थे विजय जी, हम बैठ के बात कर रहे थे, लगा झटका भूकंप का, तो हम बाहर की तरफ भागे। मैं ऊपर चाय पी रही थी तो मैं अभी एकदम ही ऐसा लगे जैसे कि जमीन हिल रही है। फिर आप लोग घर से बाहर निकल गए? हाँ, फिर ऊपर से हम फर्स्ट फ्लोर पे बैठे हुए थे, फिर हम नीचे आए, देखा तो सारी पब्लिक नीचे आई हुई थी।